Hello everyone, welcome to my channel. मैं मनीषा भोलिक और मैं आज आप लोगों को एक स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ जो ये अभी विंटर है. तो अभी मैं सिंपल एक मतलब बाहर से आई हूँ. मैंने एकदम कुछ भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ था और एक लिपस्टिक लगाया था. लेकिन फिर भी अगर हम लोग विंटर में कैसे स्किन को केयर करके स्किन क्लीन करेंगे और क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. ओके, तो फिर लेट गेट स्टार्टेड. तो पहले हम लोग पहले मैं ये गार्नियर का परफ्यूम इसमें नहीं है. नो परफ्यूम, नो एल्कोहल, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है. तो ये बहुत ही अच्छा है. मैं अभी नेक्स्ट स्टेप लेना होगा ये स्क्रबर. विंटर में आप स्क्रबर ज़्यादा यूज़ मत कीजिए. विंटर में आप स्क्रबर हफ्ते में एक बार ही यूज़ कर सकते हो. अगर आपको मतलब विंटर नहीं है तो आप स्क्रबर हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हो. और ये स्क्रब है, ये O3 प्लस का है. देखिए O3 प्लस का प्लांग जो है ये उसका है, सुगर स्क्रबर है. ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी. ये भी आपको नायका से मिल जाएगा. ओके गाइस, मैं अभी ये अप्लाई करने वाली हूँ. ये नेचुरल रेडियंस सुगर ग्लो स्क्रब है. अगर आप लोगों के फेस में ज़्यादा पिंपल्स है तो आप स्क्रब को ज़्यादा रब मत कीजिए, एकदम हल्का हाथ से कीजिए. क्योंकि मेरे फेस में भी थोड़ा थोड़ा पिंपल्स है. मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, लेकिन मैंने थोड़ा मेंटेन करने के बाद मेरा थोड़ा सा कम हुआ है. लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा अभी ज़्यादा हो रहा है. तो मैं मेंटेन करती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको थोड़ा सा भी मैं मतलब जैसे बोलता है ना, मेंटेन करते करते अगर मैं थोड़ा सा भी लाइन के बाहर चले जाती हूँ तो मेरा पिंपल्स फिर से आ जाता है. तो इसीलिए मैं मुझे बहुत सावधानी से इसको मतलब केयर करना पड़ता है. तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल वो शेयर करूँगी कि मैंने मेरा जो जैसा था मैंने कैसे उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्या क्या किया, थोड़ा सा कम हुआ. और अभी भी आप लोगों ने जो देखा तो मैं एक हफ्ते के बाद मैं आप लोगों में थोड़ा केयर करके देखती हूँ कि थोड़ा कम होता है. तो फिर मैं आपको एकदम श्योर हो जाती हूँ कि हाँ, मैं जब वो करती हूँ स्टेप्स तो मेरा वो काम करता है. तो मैं तभी आप लोगों को मतलब मैं तभी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, कि मेरा वो काम किया कि नहीं. एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वीडियो बनाते हुए ज़्यादातर अपने स्क्रीन में देख रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, मैं फिल्म कर रही हूँ. तो मैं ज़्यादा उससे पहले ज़्यादा नहीं की हूँ, तो मुझे बहुत शौक है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ. और मुझे जो जो आता है, मुझे जितना नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है. तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वीडियो को मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर अपडेट करूँ. रेगुलर मैंने अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं किया है कि हफ्ते में इतने दिनों में वीडियो अपलोड करूँगी या इतने टाइम करूँगी. मैं जब ये एकदम श्योर हो जाऊँगी कि हाँ, मैं अभी ये मेंटेन कर सकती हूँ, तो मैं श्योर तब मैं वो करके आप लोगों को बता भी दूँगी. और आप लोगों को अगर कुछ जानना है पर्सनली तो आप ऑब्वियसली प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए. मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो बना दूंगी कंटेंट. और मेरे तरफ से कुछ नया नया कंटेंट और कुछ, जैसे मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप के बारे में तो रहेगा ही.
हेलो गाइस, आई एम बैक। तो मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया, मतलब वॉश कर लिया, और मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मेरे फेस को मैं अभी टोनर देने वाली हूँ, टोन करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लेनिंग का ये वाला टोनर। ये छोटू सा एक टोनर है, देखिए, स्किन रिफाइनर, ठीक है। ये वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मुझे फ्री में मिला था नायका में, नायका से लेने वाली हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मैं लेने वाली हूँ। ओके, अभी इसको मैं हाथ में लेके डैब करने वाली हूँ टोनर को। अब हमेशा, अब अगर टोनर को आप चाहते हो कॉटन पैड में लेके यूज़ करने के, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक बार फिर से हाथ में लेके फिर उसको ऐसे फेस में ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये एसेंस मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत हाइड्रेटिंग है, हाइड्रो एसेंस है लेनिंग का। ये भी बहुत अच्छा है, अभी विंटर में तो एसेंस आपको यूज़ करना ही चाहिए। एसेंस बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ये लेने की का है, ये भी मैंने नायका से लिया था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूँगी। ये भी बहुत अच्छा है, और एसेंस आप लोगों को अगर मतलब एज हो जाए तो एज, एंटी एजिंग के लिए एसेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ सीरम। ये सीरम है वाइट सीड का, ये दी फेस शॉप का वाइट सीड का सीरम है, दी फेस शॉप वाइट सीड सीरम है। ये भी मैंने नायका से लिया है, ये फ्री में मिला। सीवीड क्रीम ये मतलब एक्ने कंट्रोल है। फर्स्टली जो मेरे स्किन के लिए ज़रूरत है वो है एक्ने कंट्रोल क्रीम। अगर आपके फेस में एक्ने है, सेंसिटिव है, तो आप डेफिनेटली एक्ने कंट्रोल क्रीम यूज़ कीजिए, क्योंकि गॉड नोज कब आपके एक्ने बाहर आ जाए, आप कोई दूसरा अगर एक्सपेरिमेंट करने चाहो तो इसलिए एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है। क्रीम ये है, और ये डे क्रीम है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर स्मूथर यंगर फेसियल स्किन, O3 प्लस स्किन केयर, डबल रिच फार्मूला। ये भी मैंने नायका से लिया है, और ये इसका भी डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सॉरी, मैं फिर से दूसरा तरफ देख रही थी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। इसका जो सीरम है, वाओ, इसका एक सीरम है, सीवीड का सीरम, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा वो ख़त्म हो गया है, मैं ये भी यूज़ करती थी उसका सीरम। तो अगर मैं फिर से परचेस करूँगी तो डेफिनेटली मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं इसका जो एम्प्टी बॉक्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बारे में डिटेल्स भी बोल दूँगी, ओके। तो मैं मॉइस्चराइजर, परफ्यूम इसमें नहीं है, नो परफ्यूम, नो अल्कोहल, एकदम डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये बहुत ही अच्छा है गाइस, आई एम हाईली रिकमेंडेड दिस। ओ, और एक बात, ये जो क्रीम है इसमें ये SPF दिया हुआ है, SPF 15 है, ये करेगा, ये आपके सनस्क्रीन का भी काम करेगा, ओके। देन मैं अभी नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ। मेरा फेस का कंप्लीट हो गया है, मैं अभी, और मैं आई क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं नाइट में करती हूँ, और ये है विंटर में सब लोगों के साथ ही। ये है निविया का डिबम, ये आप लोग, सॉरी मैं फिर से उस तरफ देख रही हूँ यार, सॉरी, ये निविया का लिप बम है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कितना आराम मिलता है यार इसको यूज़ करने से, ओके। ये तो निविया का है, आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। निविया का ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत सारे ब्रांड का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो आप ये भी ले सकते हो, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मेरे वीडियो को देखा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मतलब नेक्स्ट मेरे जो
वीडियोस अपलोड होंगे उसको आप नोटिफाइड हो जाओगे, तो फिर आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो टिंग 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 बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। और अभी आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये स्किन केयर रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये बहुत सारा बहुत अच्छा है ये सारे प्रोडक्ट्स। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम में एक वीकली स्किन केयर रूटीन लेके आऊँगी और विंटर का ही, और हाँ तब बहुत सारे और बातें होंगी। तो आज इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ मुझे बोलिए। ओके बाय।